जोधपुर के सेठगढ़ ब्लॉक के गांव बुंगरा में हुए गैस सिलेंडर ब्लास्ट में अब तक 35 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को हुए इस भयानक हादसे में अब तक कई परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। आपको बता दें कि कल केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भुंगरा गांव पहुंच मृतक आश्रितों और घायलों सहित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर हादसे में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी है, पीड़ित परिवारों को सांत्वना भी दी, साथ ही हर संभव मदद का दिया आश्वासन। गौरतलब है कि गत 8 दिसंबर को भुंगरा गांव निवासी सगत सिंह के पुत्र सुरेंद्र सिंह की शादी समारोह में बारात रवाना होने वाली थी। वहीं बारात रवाना होने से पहले चल रहे नेत्रा कार्यक्रम के समय गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुए, उसके कारण 55 लोग झुलस गए थे, जिनको तुरंत एमजीएस अस्पताल जोधपुर ले जाया गया, जिनमें से 35 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं बाकी घायलों का उपचार अभी तक जारी है। बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हादसे में पीड़ित परिवारों से मिलने भोंगरा गांव पहुंचे। घटना स्थल सगत सिंह की ढाणी पहुंचे और ढाणी का जायजा लेने के बाद मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस मौके पर राजपूत विकास समिति के भगवान सिंह तेना कान सिंह राठौड़ ने उन्हें हादसे के बारे में पूरी जानकारी दी, साथ ही पीड़ित परिवारों को विशेष सहायता दिलाने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने त्रासदी में जिन लोगों के घरों से मौत हुई और जो हादसे के शिकार हुए, उन सभी ढाणियों में जाकर पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों से बातचीत करके इन परिवारों को सरकारी नौकरी के लिए भी प्रयास किया जाएगा और उनके पुनर्वास के लिए भी प्रयास करेंगे। इस मौके और उनके साथ पूर्व मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर, फलोदी विधायक पब्बा राम बिश्नोई, भाजपा नेता राजेंद्र सिंह इंदा, लोणी पूर्व विधायक जोगाराम पटेल, राणा प्रताप सिंह इंदा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सोय सिंह इंदा, राजेंद्र सिंह इंदा, भोर सिंह इंदा, चंपालाल चौधरी, हनुमान राम सुतार, रामचंद्र राजपुरोहित, माधुराम दर्जी, छोटू राम सांकला सहित कई लोग मौजूद थे।